मुंबई के पूर्व संघ प्रचारक यशवंत सिंधे का बड़ा खुलासा। देश में रची जा रही थी सीरियल बम धमाकों की साजिश। सोशल मीडिया पर वायरल मुंबई के संघ प्रचारक रहे यशवंत सिंधे के एक वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में सिंधे को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अदालत में अल्पनामा दायर करते हुए साल 2006 के पटबंदरे नगर बम विस्फोट मामले में गवाह बनने के लिए वे राजी हो गए हैं। नमस्कार, मी यशवंत शिंदे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मी 1995 साली जम्मू काश्मीरला प्रचारक। 5 अप्रैल 2006 को नादेड़ के पटबंदरे नगर में एक धमाके में 2 लोगों की मौत हुई थी। इसको लेकर पहले कहा गया कि फटाका विस्फोट था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि ये विस्फोट बम बनाते समय हुआ था। इसी घटना के बारे में बोलते हुए यशवंत सिंधे ने दावा किया है कि 2003 में उसे पुणे के सिंहगढ़ की तलहटी में एक जगह बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुढच्या महिन्यात 22 दिनांकला माझ्या आज काल सादर केलेल्या कथनावरती त्यांचं काही ते त्यावरती मत मांडतील। संघ प्रचारक सिंधे का दावा है कि विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मिलिंद परांडे, राकेश दवाड़े और मिथुन चक्रवर्ती उर्फ रविदेव ने बम बनाने की ट्रेनिंग दी। पूर्व संघ प्रचारक ने यह भी दावा किया है कि वह नादेड़ बम विस्फोट में मारे गए हिमांशु पासे और अन्य 20 लोगों के साथ इस ट्रेनिंग में शामिल हुआ था। साल 2004 में देश भर में बम धमाकों की अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन किसी कारण से इसे टाल दिया गया था। संघ प्रचारक यशवंत सिंधे के इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब राजनीति गर्म हो गई है। यशवंत सिंधे का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संघ को निशाने पर लिया है और ट्वीट करके लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे यशवंत सिंधे ने अल्पनामा दर्ज कर संघ के राष्ट्र विरोधी कारनामों की खौफनाक जानकारी उजागर की है। कैसे पूरे देश में बम विस्फोट करने का षड्यंत्र रचा गया, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।